राजधानी देहरादून में कुछ हिंदूवादी संगठनों के सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ करने पर पुलिस वालों और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ होने से वहां जैम लग गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को सड़क से उठाने की कोशिश करने लगे। पुलिस के वहां पहुंचने और लोगों को सड़क से हटाने की पुलिस की कोशिश का वहां बैठे लोग विरोध करने लगे, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मौके पर तनाव हो गया। पुलिस की काफी कोशिश के बाद भी लोग सड़क से नहीं उठे और पुलिस वालों के आगे खड़े होकर नारे लगाने लगे। सड़क पर जैम बढ़ता देख पुलिस वालों ने एक एक करके जैम में फंसी गाड़ियों को वहां से निकाला। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन का बिल पास हो गया। इस बिल का मकसद आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है। लोकसभा में पास होने से पहले इस बिल पर लंबी चर्चा हुई और गृह मंत्री अमित शाह और MIM नेता असदुद्दीन ओवैसी के बीच तीखी बहस हुई। ओवैसी ने आरोप लगाया कि इस बिल की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों के अधिकारों को नुकसान पहुंचेगा। आप मुझे सुनिए ना, आप बताइए क्या ये वॉयलेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन 1373 का, 1535 का? ये तो और अगर आप स्टेट ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस है तो खत्म करिए उसको। जबकि कांग्रेस ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत का आरोप लगा दिया। आतंकवाद के खिलाफ जो कानून बन रहा है उसको अपने उसके पक्ष में वोट देने से वोट बैंक नाराज हो, इस भय से अगर उनको जाना है तो हम कुछ नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि इस बिल से देश के हर नागरिक की सुरक्षा पक्की होगी। ये कानून केवल और केवल टेररिज्म को खत्म करने के लिए है, इसका दुरुपयोग कभी नहीं होगा, ना करना चाहिए ना हम करेंगे। ये बिल अभी राज्यसभा में पास होना बाकी है। सरकार की दलील है कि UAPA में संशोधन से आतंकवाद विरोधी कानून और मजबूत होगा, क्योंकि इस संशोधन के बाद अब किसी को व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित किया जा सके। अब तक कानून में किसी संगठन पर ही प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। इंदिरा गांधी की सरकार में बने इस कानून में चौथी बार संशोधन का बिल लाया गया। इस बिल के पास होने के बाद NIA की ताकत भी बढ़ेगी। यूपी के फिरोजाबाद में किसानों ने मंडी समिति के अधिकारियों से नाराज होकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि मंडी समिति के लोग किसानों से कई तरह के चार्ज के नाम पर पैसे वसूलते थे, जिसके विरोध में सभी किसान मंडी समिति के बाहर इकट्ठा हुए और सड़क जैम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। सैकड़ों की संख्या में हंगामा कर रहे किसानों की वजह से सड़क पर जैम के हालात बन गए, जिसके बाद किसानों को समझाने के लिए मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन किसानों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद इलाके के SDM ने वहां पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। किसानों ने इस बीच ये भी आरोप लगाया कि पैसे न देने पर मंडी के अधिकारियों ने उन्हें वहां से भगा दिया। आप जाइए यहां से, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हालांकि SDM ने किसानों से पैसे वसूले जाने की बात से साफ इनकार कर दिया। बल्लेदारों के और जो है व्यापारियों के बीच का मामला है, लेकिन इनको बीच में ले लिया किसानों। पुलिस और प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझा बुझा कर मामला शांत करवा दिया और सड़क पर लगा जैम खुलवाया। भारत के डर से पाकिस्तान ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल ब्रिटेन में पकड़े गए दाऊद के करीबी जाबिर मोती ने वहां की अदालत में बताया कि दाऊद कराची में रह रहा है। जाबिर मोती ने यह भी बताया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बुरी तरह डर गया था और उसे अंदेशा था कि भारत की खुफिया एजेंसियां दाऊद को कराची वाले घर से गुपचुप तरीके से उठा सकती। इसके बाद कराची में दाऊद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई और दाऊद को घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया गया। जाबिर मोती के इस कबूलनामे से पाकिस्तान के झूठ की पोल एक बार फिर खुल गई। बिहार में अगले दो दिन भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, जिसके बाद दरभंगा के सभी स्कूलों को अगले आदेश तक बंद किया गया। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। करीब 4 लाख लोगों पर बारिश और बाढ़ का असर पड़ा है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश ने बिहार की मुश्किल बढ़ा दी है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके बाद प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। विभिन्न नदियों से दरभंगा जिला में पानी आते तो सभी लोग सतर्क रहे, कोई नुकसान नहीं होता है जब हम लोग सतर्क रहें और पानी नहीं आया, लेकिन हम लोग बिना सतर्कता से पानी आ जाती है तो काफी नुकसान होता है।
इसलिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सब जनप्रतिनिधि मुखिया सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा मीडिया के माध्यम से सतर्क रहे हैं। हम लोगों को अगले 2-3 दिन क्रिटिकल रहेगा और इस फेज गुजर जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि तत्काल कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी स्कूलों को बंद कराया गया है अगले आदेश तक। अगला फिर जैसे समीक्षा होगा और जानकारी मिलेगी उस आधार पर फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। कुदरत के क्रोध के आगे बिहार पूरी